और जो आप ये क्वेश्चन देख रहे हो ना छोटे, ये क्वेश्चन आपका काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है क्या कि हमको ट्रायंगल का एरिया निकालना है, वो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। मैं आपको क्वेश्चन बैंक दिखाता हूँ, जस्ट यहाँ पर ध्यान दो। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है जिसका वर्टिसेस दिया हुआ है हमको कि जेड वन है, जेड टू है और जेड थ्री है। तब जाकर के उस आर्गेंट प्लेन का जो एरिया होगा, दैट इज इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो इस फॉर्म में होगा, ये हमको प्रूफ करना है। और साथ ही साथ हमको ये भी दिखाना है कि अगर सपोज मान लो कि वो ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उस कंडीशन में ये इक्वेशन सेटिस्फाई होने वाला है। दैट इज हमको ये इक्वेशन सेटिस्फाई करना है। ओके ओके छोटे, ठीक है, हम लोग अपने क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, बाकी बातें बाद में होगी कि ये किस ईयर में पूछा गया है, किस ईयर में नहीं पूछा गया है, वो सारी बातें आप देख लेना, हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग ये देख लें कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है और हमको प्रूफ क्या करना है, पहले इसको समझ लें। हमको फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रायंगल दिया हुआ है, चलो छोटे ट्रायंगल बना लिया जाए। ट्रायंगल बन गया हम लोग ए बी सी। ये ए जो पॉइंट है वो जेड वन कॉम्प्लेक्स का है, बी पॉइंट जेड टू कॉम्प्लेक्स का है और सी पॉइंट जेड थ्री कॉम्प्लेक्स का है। एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, हमको कोई ट्रायंगल दिया हुआ है और साथ ही साथ हमको इसका वर्टिसेस दिया हुआ है कि जेड वन है, जेड टू है और जेड थ्री है। उस कंडीशन में हमको जो प्रूफ करना है, हमको जो फाइंड करना है, वो फाइंड करना है इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, और वो एरिया इस फॉर्म में होगा, ऐसा हमको प्रूफ करना है। पहले हम इस फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करेंगे, उसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट की चर्चा करेंगे। ठीक है, अच्छा छोटे मुझे बताओगे आप, अभी तक हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या क्या पढ़े हुए हैं बताओ छोटे। आप बोल के भैया भैया एक गोटे दो गुना आधार गुना सिसलम, अरे छोटे ये सब नहीं, वो याद करो 23, 31, 12 कुछ याद आ रहा है। हम लोग पढ़े हुए हैं ना एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या 23, 31, 12 याद आया, 23 फिर आपका था 31 फिर आपका था क्या बोलो मेरे साथ 12 था ना। एंड इसी को हम लोग डिटरमिनेंट के रूप में लिखते थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, 1/2 सिंपल सा। इस कॉलम में हम लोग x1 x2 और x3 लिखते थे, एंड नेक्स्ट कॉलम में y1 y2 y3 लिखेंगे, एंड नेक्स्ट कॉलम में 1 1 1। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो यही सॉल्यूशन होगा, सिंपल सा। आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए आता है, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका ये रिजल्ट आएगा। एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, हमको किस तरह इसको प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करने के लिए आपको पहले ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके, इस फॉर्मूले में हमको ये जो कॉलम है वाई वाला कॉलम, इस वाई वाले कॉलम में हमको इसको चेंज करना है जेड वन जेड टू जेड थ्री में। डेट इज वाई वन को जेड वन में चेंज करना है, जेड वन मतलब एक्स वन प्लस आई वाई वन, इसको जेड टू में कन्वर्ट करना है, जेड टू मीन्स एक्स टू प्लस आई वाई टू, इसको एक्स थ्री प्लस आई वाई थ्री, जिससे ये जेड थ्री में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जब ये जेड में कन्वर्ट हो जाए ना, उसके बाद हम लोग इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे और फिर इसको इस फॉर्म में ले जाएंगे। आपको मैं पहले बता दूं, जब इसको आप जेड में कन्वर्ट करोगे ना, जहां पर वह है सिर्फ वहां जेड हो जाएगा, डेट इज जेड टू माइनस जेड थ्री जिसको आप लोग 23 कहते हो, उसके बाद जेड थ्री माइनस जेड वन जिसको आप क्या कहते हो 31, एंड उसके बाद जेड वन माइनस जेड टू 12। ये आपका रिजल्ट होगा इसको सॉल्व करने के बाद। जब ऐसा रिजल्ट होगा उसके बाद दो लाइन का प्रूफ है, हम लोग का प्रूफ हो जाएगा। स्टेप समझ में आया, हम लोग पहले इस कॉलम को जेड के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फिर से डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, डिटरमिनेंट सॉल्व करने के बाद हमारा प्रूफ हो जाएगा कंप्लीट। चलो जी इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ लिखो पहले, मानो तो सही जेड वन है क्या, यहाँ पर हमारा जेड वन है एक्स वन प्लस आई वाई वन, एंड जेड टू क्या है छोटे बोलोगे मेरे साथ एक्स टू प्लस आई वाई टू, एंड जेड थ्री क्या है, अरे छोटे बोलो तो सही, याद होगा आपको। एंड तब जा करके हमको सिंपल सा ट्रायंगल का फॉर्मूला पुट कर देना है। सो या नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, अगर इस ड्रॉइंग को बनाओगे तो ट्रायंगल का नाम लिखोगे, अगर ड्रॉइंग को नहीं बनाओगे तो सिंपल से ट्रायंगल का निशान दोगे। एनी प्रॉब्लम नहीं ना, तो लिखो 1/2 फॉर्मूला, लिखो फॉर्मूला डिटरमिनेंट के रूप में सॉल्व करेंगे ना हम लोग, तो क्या होगा एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाई वन वाई टू वाई थ्री 1 1 1। ठीक है भाई,
अब यहाँ पर इसको जेड के रूप में कन्वर्ट करना है, डेट इज यहाँ पर पहले आई से मल्टीप्लाई। अरे भाई जेड मतलब क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई, पहले वाई में आई से मल्टीप्लाई करोगे फिर जा करके ऐड करना है। एक काम करते हैं हम लोग, आई बटे आई से मल्टीप्लाई कर दिए और इस आई को इस पूरे कॉलम में भेज देंगे। चलो जी अपने अगले कदम की तरफ हम लोग अग्रसर होते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, बोलो मेरे साथ छोटे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा? या एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री। अब वाई के जगह पर आप क्या करोगे, सिंपल सा, हम लोग आई से डिवाइड किए और आई से मल्टीप्लाई किए ना, आई से मल्टीप्लाई हो गया। अब हम लोग ये जो हमारा सी वन है, इस कॉलम को हम लोग सी वन कहते हैं, इस कॉलम को हम लोग सी टू कहेंगे, इस सी वन और सी टू को ऐड कर देना है, दैट इज बायोजिन। बायोजिन इस सी वन को इस प्रकार चेंज करेंगे कि सी वन प्लस सी टू हो। देयरफॉर उस कंडीशन में क्या होगा छोटे, छोटे मेरे साथ गुनगुनाओगे, जो है यहाँ पर वन बाय टू वाई, हम लोग सी टू को चेंज कर रहे हैं ना, इस सी टू को, तो सी टू को छोड़कर बाकी सबको लिख लेते हैं, तो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वन वन वन। अब हम लोग सी टू को चेंज करेंगे किस प्रकार, वो देखो यहाँ पर एक्स वन प्लस, इसको जो एक्स वन प्लस आई वाई वन बिल्कुल ठीक, एक्स टू प्लस आई वाई टू, एक्स थ्री प्लस आई वाई थ्री। चलो जी हम लोग तो माने हुए हैं, ये भैया जेड वन है, ये जेड टू है, ये जेड थ्री है, तो पुट करो ना, इतना परेशान क्यों हो रहे हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन बाय टू आई, यहाँ जी यहाँ पर हो गया आपका जेड वन जेड टू और जेड थ्री। ठीक है, मैंने कहा था मेरा फर्स्ट स्टेप यही था निकालना, उसके बाद इसको हमको सॉल्व करना है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने तो आपको आता है, डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल सा, ये तो भैया जी बाहर में है, इसको बाहर में ही रखो छोटे ना, तो वन बाय टू आई। अब हम लोग x1 को लेंगे, किसको लेंगे बोलो मेरे साथ, x1 को लेंगे, तो x1 के सीधा सिद्धि जो भी है इसको भूल जाना है, ऊपर वाले को भूल गए नीचे वाले को भूल गए, बचा सिर्फ ये टर्म बचा। चलो जी उस टर्म को लिख लो, जेड टू वन जेड थ्री वन, फिर प्लस माइनस प्लस इस तरह चलता है हम लोग का, फिर माइनस हुआ, फिर x2 को लेंगे, फिर x2 की सीधा सिद्धि इसको इसको भूल गए, जो जो बचा उसको लिख लो। वाह हम लोग लिख लिए, वाह छोटे अब बताओगे तुम, एक्स थ्री को दैट इज एक्स थ्री इधर और इधर भूल जाओ, बचा क्या क्या, जेड वन वन बचा एंड जेड टू वन बचा। हाँ जी चलो बिल्कुल सही है, ये टू कहाँ से आ गया, नहीं आना चाहिए। अब इसको सॉल्व करना है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, नोका नोकी मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, जेड टू माइनस जेड थ्री, आधा सॉल्व करना है, जेड टू माइनस जेड थ्री माइनस, इसको सॉल्व करो, जेड वन माइनस जेड थ्री, अगेन इसको सॉल्व करो, जेड वन माइनस जेड टू। चलो जी हम लोग का सॉल्व हो चुका है। अब आप बोलोगे भैया 23, 31, 12 होना चाहिए, यहाँ पर 31 नहीं है, इसे माइनस कॉमन ले लो ना, क्या छोटे माइनस कॉमन लेने आता है ना, बताओ यहाँ पर क्या होगा, बोलो छोटे माइनस कॉमन, तो क्या हो गया एक्स थ्री इंटू जेड थ्री माइनस जेड वन, अगेन 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 यहाँ पर भी सेम वही उतर जाएगा। अब यहाँ से हम लोग की कहानी स्टार्ट होती है, वो कौन सी कहानी है, हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं, जो हम लोग जानते हैं यहाँ पर लिखते हैं, ये किसका वैल्यू निकाल रहे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है जी हम लोग क्या जानते हैं कि अगर ए इंटू बी माइनस सी हो प्लस, मैं आपको फिर से समझाता हूँ, हटाओ उसको, जैसे मान लो ये सर्कल है, ठीक ये क्या है सर्कल, यहाँ पर ए है यहाँ पर बी है और यहाँ पर आपका सी है, ठीक। अब हमको इस सर्कल पर काम करना है, तो ए बी सी सर्कल पर काम हो रहा है, ठीक है जी। अब कोस्ट में देखेंगे, अब कोष्ठ में ए के बाद क्या आता है, बी, यहाँ बी आया, बी के जस्ट बाद सी, यहाँ पर ए, इस सर्कल पर घूमेगा, क्या होगा घूमेगा, फिर माइनस बी के बाद क्या होगा सी, यहाँ सी हुआ, सी के बाद ए, फिर ए के बाद बी। अगर इस सर्कल को सेटिस्फाई कर रहा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं समेशन ऑफ कोई एक टर्म इससे उठा लेना है, हम लोग पहले टर्म को ही उठा लेते हैं, ए इंटू बी माइनस सी। अगर हम लोग सिर्फ ये भी लिखेंगे समेशन के फॉर्म में, तो आप समझ लेना कि हम लोग ऊपर वाले टर्म को ही लिख रहे हैं, समझ में आया। वैसे भी हम लोग इसको समेशन के फॉर्म में प्रूफ करेंगे, इसलिए हम लोग इसको समेशन के फॉर्म में कन्वर्ट किए हैं, समझ रहे हो। इसी तरह यहाँ पर भी देखो, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री बिल्कुल, जेड टू जेड थ्री जेड वन, हाँ सर्कल को सेटिस्फाई कर रहा है, जेड थ्री जेड वन जेड टू सर्कल को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या निकल गया, बोलो मेरे साथ छोटे, इसको हम लोग लिख सकते हैं समेशन ऑफ सिर्फ पहले टर्म को, बिल्कुल सही पहले टर्म को, तो एक्स वन इंटू जेड टू माइनस जेड थ्री। वाह क्या ही बात है,
लेकिन प्रूफ में यहाँ पर जेड के फॉर्म में था, इस एक्स को तो हटाना होगा। अब एक्स को हटाना है तो हम लोग को पता है क्या, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका अगर कंजुगेट जोड़ते हैं ना छोटे, तो ये बराबर होता है 2x के। आप सॉल्व कर लेना, x प्लस आई वाई, एक्स माइनस आई वाई, दोनों को सॉल्व करोगे तो 2x होगा। यहाँ से अगर x को अकेला करेंगे ना, 1/2 जेड प्लस कंजुगेट जेड, यहाँ पर x1 है तो यहाँ पर जेड वन, यहाँ पर जेड वन का कंजुगेट, एनी प्रॉब्लम नहीं ना। तो इस x1 के जगह पर हम लोग ये पुट कर लेंगे, तो देर किस चीज का है, पुट करो ना, पुट करने में क्या प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है। चलो जी, समेशन ऑफ यहाँ x1 की जगह पर जेड वन और उसके कंजुगेट को जोड़ो, उसके बाद क्या करना है, जो जैसे है उसको ऐसे उतार दो, एंड अगेन डिवाइड करना है 2 से, और बाहर में 1/2 आई था। इस कांस्टेंट टर्म को बाहर ही निकाल लो ना, क्यों ढो रहे हो कांस्टेंट को, नहीं ढोना बेवजह, किसी को भी छोटे नहीं ढोना है। 1/4 i, इसको बाहर निकाल लिए, किसको बाहर निकाल लिए हम लोग, इस 2 को। अब बचा क्या मेरा, जेड वन का मल्टीप्लाई इसके साथ, जेड वन का मल्टीप्लाई मेरे साथ बोलो, किसके साथ, जिसके साथ भी हो आपको पता चल गया। अगेन इस जेड वन के कंजुगेट का मल्टीप्लाई इसके साथ। चलो जी, अब तो पता होगा आपको इसका जो वैल्यू होता है ना वो 0 होता है, दैट इज तीनों एक जैसा ग्रुप में होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये जेड का था तो ये भी अगर जेड का होता तो इसका वैल्यू क्या होता, 0 होता। लाइकवाइज इस तरह देखो, जेड 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 0 हो गया ये, ठीक है। और ये इस सर्कल को भी सेटिस्फाई कर रहा है, आप देखोगे 1 2 3 जब इसको एक्सपेंड करोगे ना तो इस फॉर्म में आएगा, ज्यादा मत सोचो, ये हमारा वैल्यू 0 होगा। चलो जी, आपको पता होगा, आपने ये सब पढ़ा होगा, ठीक। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 1/4 i, ये आपका 0 हो गया, प्लस समेशन ऑफ, अब मेरा प्रूफ हो चुका है। कितना आसान था, झूठ मूठ का ये सिरदर्द बना हुआ था हम लोग का ना जी। चलो इस 4 i को अंदर कर ले क्या, हाँ हाँ अंदर कर लेते हैं। प्रूफ क्या करना है, 4 i अंदर है, अरे यहाँ मोड जेड वन का होल स्क्वायर है, कोई बात नहीं हो जाएगा, यहाँ जेड वन हो चुका है ना। चलो जी छोटे, अब बताओ यहाँ मोड कैसे लाओगे, बताओ बताओ मोड कैसे लाओगे। अरे मोड जेड वन का होल स्क्वायर मतलब ये होता है इस जेड वन का मल्टीप्लाई इसी के कंजुगेट के साथ करना है, तो यहाँ पर कंजुगेट है जेड वन नहीं है, तो ऊपर नीचे क्या करना है, जेड वन से मल्टीप्लाई, ये हो गया मोड जेड का होल स्क्वायर, हो गया प्रूफ, एनी प्रॉब्लम नहीं ना। तो समेशन ऑफ मोड जेड वन का होल स्क्वायर इंटू जेड टू माइनस जेड थ्री बटे 4 i जेड वन, जो हमको प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था ना। अब बचा हुआ है नेक्स्ट पार्ट, बेसिक पढ़ रहे हो ना, तो थोड़ा सा तो आपको परेशानी, परेशानी क्या, बनाने में तो और मजा आएगा आपको, कितना आसान था, ये भी हम लोग बड़े बारीकी से सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन समझेंगे क्या दिया हुआ है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और एक हमेशा याद करना, क्वेश्चन सॉल्व करते समय 23, 31, 12 ये हम लोग का ट्रायंगल का कोड है, क्या है कोड, 23, 31, 12, इसको हमेशा याद करना। तो सेकेंड पार्ट में हमको दिया हुआ है कोई ट्रायंगल है, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका एंगल तो 60 डिग्री होगा, जिसको हम लोग पाई बाई 3 कहते हैं, ये सारा एंगल बराबर है, ठीक। एंड पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको डिनोट तो कर ले, ये भैया जेड वन कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ है, बी जेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ है, और सी जेड थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ है। अच्छा छोटे, पहले आप समझो हमको दिया हुआ क्या है, उसके बाद हम लोग करेंगे। हमको कोई ट्रायंगल दिया हुआ है और उसका वर्टिसेस दिया हुआ है, जेड वन है, जेड टू है, जेड थ्री है, तब जा करके हमको प्रूफ करना है कि भैया अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, अगर ये समबाहु त्रिभुज होगा, उस कंडीशन में ये एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वो इक्वेशन है जेड वन स्क्वायर जेड टू स्क्वायर जेड थ्री स्क्वायर इक्वल टू 23, 31, 12, जेड वन जेड टू फिर प्लस 12 फिर 31 जेड थ्री जेड वन फिर 23 जेड टू जेड थ्री, शायद ऐसा ही होगा, 23, 31, 12 करीबन करिए 23, 31, 12, हाँ जी यही है, ठीक। चलो इसी को हमको प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, पहले वो समझो कि अगर दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, सपोज ये हमारा जेड वन है, ये हमारा जेड थ्री है, ये हमारा जेड टू है, उस कंडीशन में यहाँ पर जो एंगल बनेगा, सपोज मान लो ये थीटा एंगल बना, तो थीटा बराबर होता है आर्गुमेंट ऑफ जेड वन माइनस जेड थ्री बटे जेड वन माइनस जेड टू, इसी के बराबर होता है। सपोज मान लो ये एंगल और कोई नहीं, अगर पाई बाई थ्री निकल गया, क्या निकल गया मेरे साथ बोलो, पाई बाई थ्री, तो ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा बिल्कुल। सेकेंड जो आपको ध्यान में रखना है, वो आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लो,
सपोज हम लोग लिख कॉम्प्लेक्स नंबर जेड ले रहे हैं, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इस कंडीशन में इस आर को हम लोग मोड जेड कहते हैं, और यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है? जेड वन माइनस जेड थ्री और जेड वन माइनस जेड टू। ये कॉम्प्लेक्स नंबर किसके बराबर होगा मेरे साथ बोलोगे? इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड, जैसे यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर अपने मोड और इसके मल्टीप्लाई के बराबर था, उसी तरह ये कॉम्प्लेक्स नंबर अपना मोड, खुद का मोड, छोटे समझ रहे हो, खुद के मोड के बराबर, एंड इसमें मल्टीप्लाई करना है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा से मल्टीप्लाई भी करना है। और हम लोग इसी को कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को, इतने टर्म को हम लोग लिखते हैं ई पर पावर आई थीटा। डैट्स क्लियर। एक बार मैं फिर से कर रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक समझो। हमको कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, तो हमको ये इक्वेशन प्रूफ करना है। इस इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा, और ये चीज़ तो हमको पता ही है कि ये आर इसके मोड के बराबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के। बस उसी के अनुसार हम लोग इसको लिखेंगे इस क्वेश्चन में, और साथ ही साथ इसके जगह पर हम लोग ई पर पावर आई थीटा यूज करेंगे, जो कि शॉर्ट फॉर्म रहेगा, बड़े आराम से समझ में आएगा। चलो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग छोटे। अब पहले हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि हमको दिया हुआ क्या है यहाँ पर। हमको यहाँ पर ए बी सी तीन वर्टिसेस दिया हुआ है, और साथ ही साथ तीनों साइड मेरा इक्वल है और एंगल भी बराबर है। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ लैंग्वेज के थ्रू लिख लेते हैं। ठीक, वही चीज़ हम लोग यहाँ पर लिखे छोटे। देखो ध्यानपूर्वक देखो, यहाँ पर हम लोग क्या क्या किए। हम लोग ए बी सी तीन वर्टिसेस है, एंड साइड तीनों इक्वल है, जो कि पी के बराबर हम लोग मान लिए। ठीक है, एंड साथ ही साथ ये तीनों कोण मेरा 60 डिग्री होगा, बिकॉज ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब जाकर के हम लोग अपने पहले फॉर्मूले को यूज करेंगे। नाउ एंगल ऑफ ये कौन, बी ए सी, एंगल ऑफ बी ए सी क्या होगा, समझ लो ये बी ए सी है, तो हो बहू यही हो जाएगा। तो लिखो एंगल ऑफ बी ए सी थीटा के जगह पर है, तो आर्गुमेंट ऑफ, मेरे साथ बोलो छोटे, आर्गुमेंट ऑफ जेड वन माइनस जेड थ्री बटे जेड वन माइनस जेड टू। ये कितना है, ये हमको पाई बाई थ्री है, दिया हुआ है हमको। इसी को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे सर। एनी प्रॉब्लम? नहीं ना। अब देखो, अब आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर था, तो हम लोग क्या लिखे थे, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग लिखे थे इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड और ई पर पावर आई थीटा के बराबर था। तो सेम थीटा का वैल्यू हमको दिया हुआ, बाद में ये सारी बातें बाद में होंगी। पहले यहाँ देखो, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या लिखेंगे, इसका मोड और ई पर पावर आई थीटा के बराबर। तो लिखो, सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर, छोटे मेरे साथ बोलोगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर किसके बराबर हुआ, इसी का मोड, ये मोड नहीं है, ध्यानपूर्वक देखना, एंड जेड वन माइनस जेड थ्री, जेड वन माइनस जेड टू है ना, इंटू ई पर पावर आई थीटा का वैल्यू क्या है, पाई बाय थ्री। तो यहाँ पर पाई बाय थ्री हुआ। अब अपनी ट्रायंगल को देखो, ये जेड वन माइनस जेड थ्री है क्या, जेड वन कहाँ है, यहाँ है, जेड वन माइनस जेड थ्री ये इसका साइड है, जेड वन माइनस जेड थ्री ये साइड है, तीनों साइड इक्वल है, तीनों साइड क्या है मेरा, इक्वल है, तो जेड टू माइनस जेड थ्री भी बराबर है, बगल में लिख देना बराबर, जेड वन माइनस जेड टू तीनों बराबर है, बिकॉज ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। चलिए जी, यहाँ पर ये वैल्यू हम लोग मान चुके हैं, ये पी के बराबर है, ये वैल्यू भी पी के बराबर, नीचे वाला वैल्यू पी के बराबर, बिकॉज ये इसका साइड है, पी बटे पी ई पर पावर आई पाई बाई थ्री, ये कैंसिल, तो ये क्या निकल गया, ई पर पावर आई पाई बाई थ्री, ये किसका वैल्यू है, जेड वन माइनस जेड थ्री बटे जेड वन माइनस जेड टू। इसी को हम लोग इक्वेशन कुछ मान लेते हैं, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब बहुत आसान है, यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं, अब दो मिनट का काम है। सिमिलरली अब इसी तरह हम लोग निकाल सकते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ जेड वन माइनस जेड टू है, इसको ऐसे समझो ना, मैं बगल में समझाता हूँ। देखो जेड वन माइनस जेड थ्री बटे जेड वन माइनस जेड टू। अब देखो हम लोग पढ़े हुए क्या, 23, 31, 12, इसका मतलब क्या, यहाँ 12 है, क्या पढ़े हम लोग, 23, 31 और 12, यहाँ पर क्या है 12। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 23 के फॉर्म में भी, जेड टू माइनस जेड थ्री, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 31 के फॉर्म में भी, जेड थ्री माइनस जेड वन। अगेन यहाँ क्या है, 31 उल्टा है, देखो है ना, 31 उल्टा है, उल्टा चलना है, 31 को हम लोग लिख सकते हैं 12 के फॉर्म में, तो जेड वन माइनस जेड टू, अगेन इसी 12 को हम लोग लिख सकते हैं 23 के फॉर्म में, जेड टू माइनस जेड थ्री, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। डेट इज, अगर इसका वैल्यू ई पर पावर आई पाई बाई थ्री के बराबर है, तो ये तीनों आपस में बराबर है, तीनों का वैल्यू क्या होगा, इसी के बराबर होगा। इस तीनों में से हम कोई एक ले लेंगे, सपोज हम ये सेकंड वाला ले लेते हैं, ठीक है, तो ये सेकंड वाला भी इसी के बराबर होगा। तो हम लोग सिमिलरली सेकंड टर्म क्या है, जेड टू माइनस जेड वन बटे जेड टू माइनस जेड थ्री,
जेड थ्री इक्वल टू हो गया ए पर पावर आई पाई बाई थ्री। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड ये दोनों इक्वल हुआ, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड ये दोनों आपस में इक्वल हुआ, ये दोनों जो नंबर है ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। जेड वन माइनस जेड थ्री बटे जेड वन माइनस जेड टू इक्वल टू जेड टू माइनस जेड वन बटे जेड टू माइनस जेड थ्री। अब इस दोनों का नोकानोकी मल्टीप्लाई कर देना, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो मल्टीप्लाई करो। अब सिर्फ मल्टीप्लाई करोगे और आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने पर ध्यान देना है, देखो छोटे मल्टीप्लाई करते हैं, जेड वन जेड टू जेड वन जेड टू, फिर प्लस माइनस माइनस जेड वन जेड थ्री, तेरह है वन थ्री तेरह, इसको उल्टा कर देते हैं जेड थ्री जेड वन। क्यों कर रहे हैं उल्टा, क्योंकि मल्टीप्लाई उल्टा सीधा कर सकते हैं। अगेन माइनस प्लस माइनस जेड थ्री जेड टू तेईस इकतीस बारह, थ्री टू बत्तीस है, इसको तेईस लिख देते हैं, ठीक। माइनस माइनस प्लस जेड थ्री जेड थ्री, जेड थ्री का स्क्वायर इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो जेड टू जेड वन, एंड प्लस माइनस माइनस जेड टू स्क्वायर, अगेन माइनस माइनस प्लस जेड वन स्क्वायर, माइनस प्लस है ना माइनस हो गया, अगेन जेड वन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस जेड वन जेड टू। अब सबको इधर लेते हो, किसको किसको, इसको इसको और इसको, तो क्या हो गया जेड वन स्क्वायर प्लस जेड टू स्क्वायर प्लस जेड थ्री स्क्वायर, जो बचा सबको इधर रखो, जेड टू जेड वन जेड वन जेड टू, अगेन जेड वन ये माइनस में हो जाएगा ना, जेड वन जेड टू, और ये प्लस में जेड थ्री जेड वन, अगेन ये माइनस 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 इधर आके प्लस हो गया, जेड टू जेड थ्री ये कैंसिल, तो हो क्या गया मेरा सॉल्यूशन, देखो ध्यान से, जेड वन स्क्वायर जेड टू स्क्वायर जेड थ्री स्क्वायर इक्वल टू कहाँ गया, इसको लिख सकते हैं हम लोग जेड वन जेड टू, इसको लिख सकते हैं तो लिखा हुआ ही है जेड टू जेड थ्री, अगेन जेड थ्री जेड वन, हो गया मेरा प्रूफ, डेट्स क्लियर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।